हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब चलाते हो या फिर आप चलाने की सोच रहे हो, चैनल बनाने की सोच रहे हो या फिर आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो उन सबके लिए ये 5 टॉपिक बहुत ज़रूरी है। गाइज, ये 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इनमें से आप कोई भी गलती कर रहे हो तो गाइज अभी भी सावधान हो जाइए, क्योंकि गाइज आपका चैनल अभी 2023 में बहुत सी पॉलिसी यूट्यूब की चेंज हो चुकी है जिसमें यूट्यूब काफ़ी सतर्क है, तो आपका चैनल हज़ारों चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। गाइस, कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे, तो सोचते कि यार मोनेटाइज क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर मोनेटाइज हो गया तो ऐड क्यों नहीं आ पा रहे, अपने चैनल पर डॉलर क्यों नहीं बन पा रहे, या फिर किसी के ग्रीन डॉलर है तो येलो डॉलर हो जाता है कन्वर्ट, तो येलो डॉलर में आपको पता है फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, तो वो सारी चीज़ें मैं आज कवर करने वाला हूँ। गाइज, सब ये वीडियो बेसिक के लिए, जो बिगनर है उनके लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए और एडवांस के लिए भी है, क्योंकि बहुत से एडवांस लोग भी ये गलतियाँ कर रहे हैं। आप जानते होंगे, जैसे मैं टॉपिक पॉइंट बोलूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो कुछ करते हैं शुरू। सो गाइज, सबसे पहले बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं अपन, डोंट यूज सॉन्ग। सो गाइज, जब भी अपन अपने वीडियो बनाते हैं उसको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपन सॉन्ग यूज़ करते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड में हो या फिर कोई भी गाना शूट करते हैं, जैसे शादी का कोई भी प्री वेडिंग शूट करते हैं तो उसमें सॉन्ग यूज़ करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग, चाहे वो गलती बिगनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो, बहुत से लोग ऐसे करते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज भी है और सोचते हैं कि यार हमने वायरल अभी जो सॉन्ग आया था वो डाला था, फिर भी हमारा चैनल अभी तक ग्रो क्यों नहीं हुआ, हमारे सब्सक्राइबर गेन क्यों नहीं हुए। लेकिन गाइज, आप कैसे सॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन में उनको लेके या फिर परमिशन ले सकते हैं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा गाइज। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है गाइज, फ्री, कैसे फ्री कॉपीराइट सॉन्ग भी आते हैं जिनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसके लिए। सेकेंड पॉइंट हमारा है, डोंट कॉपी कंटेंट। तो गाइज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई मूवी का ट्रेलर आया और अपन सीधा उठा के उसको डाल देते हैं, सोचते कि अभी न्यू मूवी है तो ट्रेंड में चल रही है तो इसके व्यूज़ हमारे भी व्यू बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो ऐसा गलत है गाइज। यूट्यूब में अब ऐसी पॉलिसी आ रखी है 2023 में, पहले जो गलतियाँ करते थे लोग उनको देख के अभी मत कीजिए गाइज, क्योंकि गाइज अभी अपडेट आ चुका है, अगर आपने ऐसी हरकतें की तो आपको वार्निंग भी नहीं मिलेगी, सीधा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, तो ऐसी हरकतें बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में बोला था कि कंटेंट को कॉपी करके कैसे आप यूज कर सकते हो, तो कॉपी करने का मतलब ये है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको तो आप इन्फॉर्मेशन को लेके के समझ के और वापस अपने चैनल पर खुद बना के उस चीज़ को बोल सकते हो कि ये चीज़ अपडेट आया, ये चीज़ ये हुई है, बहुत से लोग करते हैं सब, या फिर कोई सूचना आपको मिली है उसके बारे में एवर कर सकते हो, तो ऐसे आप कंटेंट कॉपी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी का डाला हुआ उसको डाउनलोड किया कैसे भी, क्योंकि सबसे पहले गाइज यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें डाउनलोड करना भी, कोई भी यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करना किसी तरीके से, वो भी इलीगल ही है, यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है, तो गाइज ये भी ध्यान रखिए। अब छोटे छोटे क्रिएटर को भी ये एक ऑप्शन मिल चुका है गाइज, बहुत से लोगों को, कि अगर उनका कोई कंटेंट कॉपी कर रहा है तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है कि आपका कोई कंटेंट कॉपी कर रहा है। अपना थर्ड पॉइंट आता है गाइज, एग्रेसिव भाषण या फिर रोस्टिंग करना। बहुत से यूट्यूबर अभी रोस्ट करते हैं, वीडियो रोस्ट करते हैं या फिर किसी को कोई प्रैंक करते हैं गलत तरीके से, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की इमेज खराब करते हैं, तो बड़े बड़े यूट्यूबर ये चीज़ करते हैं, लेकिन उनके पास गाइज परमिशन होती है, बहुत चीज़ें कॉन्टैक्ट होते हैं उनके, लेकिन उनको देख के छोटे यूट्यूबर जिनके कोई कॉन्टैक्ट नहीं होते, जिनको इतनी समझ नहीं होती कैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या करना है गाइज, लेकिन उनको समझ नहीं होती बिल्कुल भी, और वो चीज़ भी रोस्ट करने लग जाते हैं, या फिर कोई चुनाव को लेके भड़काऊ भाषण हो जाता है, या फिर कोई कास्ट हो या जातिवाद को लेके आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हो उस पर कुछ भी चीज़ ऐसी प्रचलन में कर रहे हो कि ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ भी उतार चढ़ाव की चीज़ें आप सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड बोल रहे हो, तो उसमें भी आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक भी आ सकती है, या फिर आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है गाइज, और आप पे केस भी हो सकता है, तो इन चीज़ों का बेशक ध्यान रखिए गाइज, क्योंकि बिगनर अक्सर ये गलती कर जाते हैं, बिगनर क्या, बड़े बड़े यूट्यूबर भी गलती कर जाते हैं। पांचवा पॉइंट ये आता है गाइज कि जो अपन इंस्टाग्राम पे आप बहुत से लोग हैं जो चलते हैं हर दिन रील बनाते हैं और ये सोचते हैं कि रील बनाना ईजी है, इसको कॉपी करके या डाउनलोड करके सीधा यूट्यूब पे डाल देंगे, तो गाइज ये भी आपके लिए गलत है, आपका चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि गाइज क्या होता है ना, जब हम रील बनाते हैं तो रील से इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम से रील डाउनलोड किया आपने तो वो आपसे आपका वाटरमार्क आ जाएगा इंस्टाग्राम का, अगर यूट्यूब के अंदर आपके इंस्टाग्राम का वाटरमार्क आ रहा है तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है गाइज, इसका मतलब आपने कहीं से कंटेंट कॉपी करके डाला है तो वो भी आपके ग्रोथ में रुकावट है। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि लोग कसमें वादे दे के बोलते हैं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ये कर दो, वो बहुत ही गलत बात है गाइज, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं कीजिए, लेकिन गाइज अगर आप बार बार अपने वीडियो के अंदर फोर्स डाल रहे हो किसी को चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी हरकत करते हो
जिसमें आपको लग रहा हो YouTube को कि आप फोर्सफुली बोल रहे हो, तो गाइज वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो इससे भी आपका चैनल डाउन हो सकता है या डिलीट हो सकता है या फिर आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। सो गाइज नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अपना ये है क्वालिटी ऑफ वीडियोस। गाइज आप जैसे वीडियो बनाते हो, बिगनर होते हैं तो मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी मोबाइल आपके, और डजेंट मैटर गाइज, अगर आपने कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है या फिर अच्छे व्लॉगिंग कर रहे हो, अच्छा कुछ बना रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं गाइज, शुरुआत कर दो। आपने शुरुआत की इसका मतलब आपने सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो गाइज, तो शुरुआत कर दो और अपनी वीडियो को पहले खुद देखो गाइज, अपनी क्या कमी लग रही है। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करो, रिंग लाइट लानी, ये लानी, कोई डजेंट मैटर गाइज। आप छत पे अगर रोशनी है तो छत पे जाके वीडियो बना लो, माइक नहीं डजेंट मैटर गाइज, लेकिन अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन से मतलब, आपने क्या कपड़े पहने हैं, कैसे दिख रहे हो, डजेंट मैटर गाइज, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट्स इट। तो आप ये भी ध्यान रखिए गाइज, अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए कोई भी तरह का, या फिर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो उन पर देखो गाइज, आपने ये मेहनत की, आपको लगे कि इसमें ये गलती रही तो नेक्स्ट वीडियो में सुधारो, तो अपनी क्वालिटी को दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट करते रहिए। आप सेविंग्स बचा सकते हो अपनी, उसके लिए सेविंग बचा के आपको अभी ट्राईपोड लाना हो या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप मतलब एक एम बना लीजिए गाइज कि मुझे थोड़े थोड़े पैसे बचा के ये चीज़ खरीदनी है, तो एक साथ मत खरीदिए कुछ भी कि आप लाके बस यूट्यूब सेटअप चाहिए मुझे, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ऐसा कुछ मत करो, किसी को फोर्स मत डालो, किसी घर वालों को ऐसा कुछ मत बोलो, अपने बेस पे करो गाइज और ध्यान रखियो गाइज। तो ये था फाइनल एंड लास्ट पॉइंट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।